हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज ना जाएंगे रायपुर, तो देखते हैं। रियू के पापा बोल रहे चलो, अचानक ही जा रहे हैं क्योंकि आज है रूपेश का छुट्टी और रूपेश के लिए ना कुछ ख़रीदना है, तो इसके लिए मैं रूपेश को लेके जा रही हूँ और साथ में हम दोनों रियू नहीं गए हैं। तो गाइस, अभी तो रोड में जाने का टाइम, मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग को दिखाऊँगी। कुछ जगह होता है कि हम लोग मतलब नहीं जा सकते हैं, तो गाइस आप अगर बहुत दूर का हो, नहीं देखे हो, तो ये कुछ सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस ज़रूर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखोगे, जितना भी फ्रेंड आप मेरा वीडियो देखोगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस? और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छे कुछ मिलेगा देखने को। है न्यू रायपुर का रास्ता है पूरा, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। आज के दिन रियूर पापा नहीं जाते घुराई थे, तो तुम्हारा भी हमारे साथ चलो, देखी कोथाय कोथाय घुराए, बहुत दिन पड़े निच्छे। और साथे आसे हमार रूपेश, रिया आसे नाई, शुए रही से। कोई कोथाय गेसिस, एकटु कथा बोल, देखा चेहराटा। तो गाइस चलिए चलते हैं, कहाँ ले जाते हैं, सभी मिलके घूमेंगे, ठीक है गाइस? रायपुर इतना अच्छा जगह है, सब दिखाएंगे आप लोग को, अगर देखोगे तो जरूर बताओगे, नहीं देखोगे तो क्या बताओगे, कुछ नहीं देखने पाओगे। तो चलिए रायपुर सिटी दिखाएंगे, अभी तो जाने के टाइम जो रोड है मैं दिखाई हूँ, अभी आगे जाके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो चलो। तो गाइस देखो ये रोड देखो, खाली कैसा लगता है आप लोग। रेलवे स्टेशन बन रहा है और ये देखो रेलवे स्टेशन नहीं दिख रहा है ना, तो नया रायपुर में बन रहा है रेलवे स्टेशन। और ये देखो हर जगह मैं दिखाती हूँ, कितना अच्छा देखने को मिलेगा, आप लोग देखोगे तो जरूर पता हो जाएगा कि हम कैसे जगह वीडियो शूट कर रही हूँ। देखो रोड देखो ना, तो गाइस देखो रोड में जाने का टाइम, मतलब जा रही हूँ हम लोग और रोड में ना कुछ देखने को मिलता है हमारे इधर। तो देखो पानी, बहुत लोग घूमने भी आए हैं। ये देखो एक बच्चा है पास में, तो मम्मी पापा लोग इधर पास में। तो गाइस ये बहुत इंजॉय, बहुत मजा लगता है देखने में। देखो शाम है और ठंड का टाइम है और थोड़ा थोड़ा धूप है, बहुत मजा आ रहा है देखो धूप। तो गाइस अभी हम लोग रायपुर पहुंच गए और रायपुर में इतना भीड़ है। और देखो ये नहीं लोग कुछ डांस वांस कर रहे हैं, बहुत ही मतलब छत्तीसगढ़ में हमारे इधर क्या क्या होता है ये सारे कुछ मिलेगा देखने को, तो देखिए एंजॉय कीजिएगा, ठीक है गाइस? बाप रे कहाँ जा रही हो हम लोग? गाड़ी पार्किंग देखो, कितना गुफा टाइप का दिख रहा है, एकदम डर लगता है। अरे बाप रे कितना सारा गाड़ी है यहाँ पे, देखो इधर भी है, कहीं पे भी रख दो ना, कहाँ जगह पे लगा दो। गाइस ये इन्हीं लोग ना आज संडे के दिन डीजे लगा के बहुत ही डांस कर रहे, बहुत ही इंजॉय कर रहे। तो हम इधर कुछ शॉपिंग करना है तो मैं छोड़ के मैं देखने लग गई हूँ, क्योंकि हम तो घर से निकालते बहुत कम ही है, घर का संभालते हमारा हालत ख़राब हो जाता है, बस गई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो यहाँ पर हमारे इधर छत्तीसगढ़ में बहुत ही इंजॉय होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरे रूपेश भी मतलब कुछ खरीदना है, इसीलिए कि हम टेंशन में हैं, अब अभी शाम होते जा रहा है तो पहले ही खरीद कर फिर आना है। टेंशन में ये गई हूँ अपनी गाड़ी में और सब वो खरीद गया है और खरीद लिया उसके लिए स्वेटर और कुछ शॉपिंग करना, तो जो भी हो गए मेरे जो भी काम सब हो गए। और उसके बाद रुपये सब अभी हम तीनों ही गए हैं गाइस। आज संडे है, संडे के दिन बहुत ही भीड़ कम ही सोचिएगा, क्योंकि संडे के दिन बहुत दुकान बंद रहता है, दिन बिना मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे लोग को स्कूल छुट्टी करके हम कहाँ ले जाएंगे। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ, दूसरा दिन सुबह का टाइम, तो गाइस घर बन रहा है मेरे घर में, सुबह का नाश्ता, सुबह दोपहर का खाना सभी हम एक ही साथ बना लेते हैं गाइस। आजकल दिन बहुत ही छोटा है मेरा, काम मतलब सेटिंग से करना पड़ता है, नहीं तो मेरा दिन बीत जाता है इसी काम लेके। तो समझ सकते हो ना आप लोग कि मेरा
मतलब सारे काम कैसे करना पड़ता है, सुबह का टाइम से पहले मैं नाश्ता रेडी करूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे का आज एग्ज़ाम है और सुबह सुबह उठी हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये चावल का आटा है और केला है, सब मिला के यहाँ पे गुलगुला टाइप का बनाई हूँ और इसके साथ चावल फ्राई बनाई हूँ। रात का जो चावल बचा था तो बस इसी से हम लोग के सुबह का नाश्ता है गाइस। और दोपहर के लिए मैं रेडी कर ली हूँ, देख सकते हो कचौड़ी, तो कचौड़ी और साथ में क्या बनाई हूँ आप लोग ज़रूर देखिए और खाइएगा ज़रूर, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं यहाँ पे देखो सबके लिए नाश्ता रेडी कर दिया, तो आप लोग भी आइए नाश्ता कर लीजिएगा। और मेरे रूपेश जी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और इधर देख सकते हो फटाक से मैंने थोड़ा सा नाश्ता सबको लगा दिया और फिर से आ गई हूँ। मेरे एक से बढ़कर एक काम मैं सेटिंग से मतलब कर रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि दिन नहीं तो ऐसे काम लेके मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे थोड़ा सा मोबाइल पकड़ना पड़ता है, तो सारे काम सेटिंग से ही करना पड़ता है, समझ सकते हो गाइस। तो ये हाउजी वाइफ का घर का क्या होता है। और इधर देखो मेरे रूपेश बोल रही स्कूल का जो जूता पहन के जाना है ना, तो मतलब सूखा नहीं है, बस वही लेके टेंशन में फिर दौड़ती गई हूँ, तो मैं सूखा दिया ना भले से ताकि कपड़ा नहीं साथ में बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं हमारा ताकि कपड़ा साथ में चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही है। तो गाइस ये जो बेडशीट लगा है इसका कल ही खरीद कर हम लोग मतलब खरीद कर लेके आए हैं, और रूपेश के लिए जैकेट खरीद कर लेके आए हैं। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, रूपेश के पापा ये वाला लेके आया लेकिन मुझे पसंद नहीं हुआ है क्योंकि इसके साथ में तकिया कवर नहीं है इसलिए, और ये 300 रुपये का है तो इसलिए बोले ले लो, ऐसे लगता ही है घर में कहीं पर लगा देंगे। और मेरे को दे दिए कट करके, मैं लगा रही हूँ, मुझे तो पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट ही सुन नहीं पा रहे हो आप लोग, लेकिन काम चलाने के लिए मैंने लगा दी हूँ। अभी जा रही हूँ मैं, सब सही कर ली उसके बाद जा रही हूँ अभी छत के ऊपर। ये तो गीला कपड़ा एक हाथ में है और एक हाथ में ब्लैंकेट है, मैं धूप में दे दूँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अच्छा लगता है। ये देखो मेरे हस्बैंड जी एक पकड़ लिया, इनका आदत तो ऐसे ही है। और मैं अभी चले जाऊँगी, सब डाल दूँगी डालने के बाद। तो गाइस मेरा आज का काम इतना ही है, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और क्या बताएं गाइस, अच्छे रहिए खुशी रहिए। मैं गई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि घर में ना बहुत ठंड है, बहुत ठंड, और सुबह टाइम स्वेटर पहन लिए थे तो उसके बाद ना काम करने के टाइम बहुत ही अजीब सा लगता है। तो वैसे ये अभी धूप में गई हूँ तो बहुत ही खुश लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे बैठ जाएंगे थोड़ी सी, उसके बाद फिर जो काम है कर लेंगे। गरम करने डाल दी हूँ गाइस, और मैं भी थोड़ा सा गर्म हो जाती हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे उठी हूँ, अभी करीब 9:30 बज गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, सारा काम किया, देख सो तो कपड़ा भी धोई, सारा काम हो गया। क्यों हो गया, डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी क्या होता है, आज ना दोनों का एग्जाम है इसलिए मैंने सुबह उठी हूँ और उठाया दोनों को, इसलिए नाश्ता भी रेडी कर दिया, सब कुछ रेडी हो गया, खाना भी बन गया, और ठंड भी बहुत लग रहा है इसलिए सबको ऊपर आ गई थोड़ा सा, तो बैठ जाते हैं फिर से काम। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट दे दीजिएगा, और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धूप में मैं देखने नहीं पा रही हूँ कैमरा, तो फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अच्छे से भी सब ठंडा लग जाएगा और सर्दी पका लो, बाय बाय।